हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय मोबाइल। आज की इस वीडियो में हमारे पास फ़ोन है इंटेक्स का। मैं आपको ये मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। जैसा कि आपको ये मॉडल नंबर दिख रहा होगा, इंटेक्स एक्वा 4.04G। इसके अंदर क्या फॉल्ट है, इसके अंदर गूगल FRP लॉक है। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो इसका जो गूगल अकाउंट लॉक है, हम इसको किसी बिना बॉक्स के खोलेंगे। और ये मेरा YouTube चैनल है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट सारी वीडियो मेरी देखने को आपको मिल जाए। मैं हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई वीडियो डालता रहता हूँ। आप यहाँ से सब्सक्राइब कर लें इसको और बेल आइकन भी दबा दें। और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। देखिए, इस फ़ोन का मैं आपको फॉल्ट दिखा दूँ। इसमें गूगल अकाउंट लॉक लगा हुआ है, थोड़ा हैंग हो रहा है। देखिए, यहाँ से ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ये स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको बाईपास करने का थोड़ा अलग तरीका है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको बाईपास कैसे करना है। सबसे पहले इसको आपको स्विच ऑफ कर लेना है। इसकी बैटरी रिमूव कर ली मैंने और इसको हम इसको वॉल्यूम माइनस और पावर बटन दबाना है आपको। ठीक है, और जैसे ही फ़ोन ऑन हो तो पावर बटन छोड़ देना है। ठीक है, ये एंड्रॉयड वाला ऑप्शन आ चुका है। अब आपको क्या करना है कि पावर बटन और वॉल्यूम अप दबाना है और वॉल्यूम अप छोड़ देना है एकदम से। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके बाद आपको कहाँ ले जाना है, इसमें इसमें ऑप्शन में आपको जाना है। मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे। सबसे ऊपर आना है आपको, सबसे ऊपर से इस पे नीचे देखिए, रिबूट टू बूट लोडर। आपको यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से वो पावर बटन दबा के ओके कर देना है। ठीक है, अब आपका फ़ोन ये चालू होगा और यहीं पे रुका रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब आपका फ़ोन ये फास्ट बूट मोड पे आ चुका है। तो अब इसके अंदर USB केबल लगा देनी है। इसमें मैंने USB केबल लगा दिया है। ठीक है, अब इसका गूगल अकाउंट बाईपास करना है मुझे। अब आप देखिए कैसे होता है इसका गूगल अकाउंट बाईपास। ये फ़ोन हमारा यहीं पे रखा हुआ है। तो एक टूल है जिसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, ये टूल है हमारा, इसको मैं ओपन करता हूँ। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको टूल। देखिए, ये टूल है हमारा, ये मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ। टाइम आप देख सकते हैं क्या टाइम हो रहा है, 12:30। तो ये टूल है हमारा, इसको मैंने ओपन किया है। ओके, अब आपको ये टूल दिख रहा है, ये फ़ोन है हमारा। फ़ोन मैंने कनेक्ट कर दिया रिबूट टू बूट लोडर करके। अब इसमें SPD CPU, तो इसमें भी 9 नंबर वाला बटन दबाना मुझे। कीबोर्ड से मैंने 9 नंबर दबाया, यहाँ पे 9 नंबर आ गया और एंटर कर देना मुझे। जैसे ही फ़ोन एंटर हुआ, फ़ोन रिस्टार्ट हो गया हमारा। ठीक है, FRP डन हो चुकी है हमारी। ओके, अब इसको यहाँ से टूल को कैंसिल कर देता हूँ मैं। थोड़ा सा तो टाइम लेगा फ़ोन ऑन होने में, जब तक फ़ोन ऑन हो रहा है फ़ोन को ऑन होने देते हैं। देखते हैं FRP लॉक इसका हटा या नहीं हटा या FRP लॉक इसका। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है ये और बहुत काम की भी है ये ट्रिक। थोड़ा सा तो टाइम लेगा, देखिए टाइम भी नहीं लिया, ऑन हो गया। अब हम चेक करते हैं FRP लॉक इसका खुला है या नहीं खुला है। टाइम तो बिल्कुल नहीं लिया इसने। नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि थोड़ा जूम कर दूँ कैमरे से, फिर स्किप। देखिए, यहाँ से जो आगे नहीं बढ़ रहा था, यहाँ पे अपना स्किप का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ से आप इसको स्किप कर दो। थोड़ा स्लो तो चलता है ये फ़ोन। ठीक है, नेक्स्ट, पैटर्न लॉक नहीं लगाना हमें। नेक्स्ट, स्किप। थोड़ा टाइम लेगा ये, वेट करेंगे। फिर नेक्स्ट, देखिए गूगल अकाउंट लॉक इसका खुल चुका है। ओके, तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड बेल आइकन तो दबाई देना, ताकि जितनी वीडियो मेरी लेटेस्ट है लेटेस्ट आती है आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख सकें, और आपको थोड़ी बहुत और जैसे नॉलेज बढ़ती रहेगी आपकी, तो अच्छा है ये काफ़ी। ओके।